हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए उनके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, आप लोग देख सकते हो ये मॉडल पेपर बनाया है, मैंने खुद ये मॉडल पेपर बनाया है। ठीक है, ये आप लोग का जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ना उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आप लोग का जो फरवरी में, जी हमें दोस्त, फरवरी में जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और जो जनवरी में आप लोग का प्री बोर्ड होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो मैंने काफ़ी शानदार ये क्वेश्चन ऐड कर रखा है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे ऑप्शन सहित। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, मैं इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ। बाकी कहूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना शुरू कर दें। खंड अ के अंतर्गत आप जानते हो कि 20 आपका MCQ होगा। ठीक है, और जिसमें 3 उपखंड होंगे, उपखंड क, ख और ग, जिसमें से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। ठीक है, आपकी साइंस 3 पार्ट में बटी हुई है। तो चलो सबसे पहले देखो ये फिजिक्स के प्रश्न है, तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न बोल रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब देखो यहाँ अवतल दर्पण द्वारा हमें बोल रहा है किसी वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब पाया जाता है। तो देखो अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु जो है पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है, तभी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक ही स्थिति में ये प्रतिबिंब बनता है। अगर इसका मैं फिगर बनाऊं तो चलो यहाँ मैं आपको यहाँ देखो ऐसे ये मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ये रफ फिगर है। ठीक है, ऐसे ही मैं तेजी से बना दे रहा हूँ। मान लो ये एफ है, ये सी है। अगर यहाँ पे हम लोग की वस्तु रहती है ना, तब उसका प्रतिबिंब यहाँ दर्पण के पीछे यहाँ बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ से प्रकाश आएगा तो ये फोकस से ऐसे होकर गुजर जाएगा, लेकिन हमें लगेगा कि ये प्रकाश इधर से आ रहा है, और ये जो वक्रता के अंदर से वस्तु से होते प्रकाश ये जाएगा, ये लगे यहीं से टकरा कर वापस आ जाएगा, और ये लगेगा कि इधर ये जा रहा है, तो यहाँ दोनों कटेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो सिंपल यही एक स्थिति होती है जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वो दर्पण के पोल यानी यहाँ और फोकस के बीच होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि मुख्य फोकस, ठीक है, तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं, तब आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा अवतल दर्पण द्वारा। इधर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूं। चलो यहां पे है कि वक्रता केंद्र पर नहीं, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब मतलब एक समान बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है, ना छोटा बनता है ना बड़ा बनता है। वक्रता केंद्र पर है तभी भी नहीं, तभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है। ठीक है, तभी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलो, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला, बाकी इसके द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं भाई, 6 के 6 आपको क्लियर होने चाहिए अवतल दर्पण द्वारा। चलो यहाँ मैं एक बार थोड़ा करा देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे आपका ये फोकस हो गया, ये आपका सी वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो यहाँ फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जब वस्तु यहाँ स्थित होती है वक्रता केंद्र से परे, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनता है। और जब वस्तु ये वक्रता केंद्र पे ही स्थित होती है तो उसका वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उल्टा ये नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अगर वस्तु यहाँ मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका इधर फोकस से थोड़ा परे यहाँ पे प्रतिबिंब इधर बनता है, सॉरी वक्रता केंद्र से परे। और जब फोकस पे वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और जब पोल और फोकस के बीच यहाँ वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब इधर पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो एक ही आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस और जो दर्पण का ध्रुव हो उसके बीच स्थित हो। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला, सेकेंड नंबर प्रश्न है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो
कोई शब्दकोश है, मतलब डिक्शनरी है, उसमें छोटे अक्षर है छोटे छोटे, तो उनको पढ़ने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा? तो सिंपल उस लेंस का उपयोग किया जाएगा जो बड़ा प्रतिबिंब बनाए भाई, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाए, तभी तो छोटे छोटे अक्षर है तो आसानी से उनको पढ़ा जा सकता है। और बड़ा प्रतिबिंब यानी छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन लेंस बनाता है? तो उत्तल लेंस बनाता है, अवतल लेंस नहीं। तो उत्तल लेंस का है यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे, तो ये अवतल लेंस तो इसी तरह आपका खत्म हो जाएगा। दो हम लोग का ऑप्शन बचा। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब इन दोनों में से हमें चुनाव करना है कि 5 सेंटीमीटर वाला ज़्यादा बेटर रहेगा कि 50 सेंटीमीटर वाला। अब देखो जिस लेंस की क्षमता अधिक रहेगी, वही तो हमें मतलब अच्छा प्रतिबिंब एक तरह से बनाकर देगा, ठीक है। तो इनमें से किसकी क्षमता अधिक होगी? तो देखो जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। आप जानते हो कि लेंस की क्षमता एफ जो होता है लेंस की जो क्षमता P होता है वो 1/F के बराबर होता है। तो F का मान जितना ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये नीचे है तो यहाँ पे ऊपर कुछ रहेगा तो भाग देंगे, तो इसका मतलब इसका जितना मान कम होगा इस P का मान उतना ही अधिक होगा। तो इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम लोग उत्तल लेंस उपयोग करेंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग उपयोग करेंगे तो उसका क्षमता अधिक हो जाएगा। अगर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यहाँ पे उत्तल लेंस उपयोग करेंगे तो उसका क्षमता कम होगा इसकी अपेक्षा, इसलिए इसका उपयोग करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। देखो मैंने काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं इसका भाई ये आंसर होगा, चलो अगले क्वेश्चन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर। यह क्या है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, पतले गोलीय लेंस यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की फोकस दूरी प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ओके, मतलब कह रहा है कि कोई दर्पण है भाई और कोई लेंस है, ठीक है, उनमें से दोनों की, ठीक है, जो फोकस दूरी है वो क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो जो दर्पण और लेंस है वो क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे, यानी जो दर्पण होगा वो भी अवतल होगा, जो लेंस होगा वो भी अवतल होगा, या दोनों उत्तल, यानी जो दर्पण है वो भी उत्तल होगा या जो लेंस है वो भी उत्तल होगा, या फिर दर्पण जो होगा वो अवतल होगा और लेंस जो है वो उत्तल होगा, या फिर यहाँ पर डी में बोला जा रहा है कि दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। तो देखो या फोकस दूरी हमें ऋणात्मक दिया है, और फोकस दूरी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है, और साथ ही जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, उसकी भी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो चाहे अवतल दर्पण हो गया, अवतल लेंस हो गया, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और चाहे उत्तल दर्पण हो गया या उत्तल लेंस हो गया, दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो यहाँ हमें ऋणात्मक दिया है दोनों की फोकस दूरियाँ, तो दोनों लेंस के दोनों मतलब दर्पण और लेंस की इस प्रकार के होंगे, दोनों अवतल होंगे, तो ये ए वाला थर्ड का क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे। यह क्या है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। ओके भाई, कार्निया पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल जिसको बोलते हैं, ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ये हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या चार हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या पाँच। देखो यह प्रश्नोत्तर संख्या पाँच, कई बार इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, यह दो मार्क में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, हालांकि यहाँ ऑब्जेक्टिव में डाला है यहाँ पे। इसमें क्या है, देखो क्या बोल रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम मीन्स समांतर क्रम में, ठीक है, संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न उष्माओं का अनुपात होगा। अब देखो यहाँ पे कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो ये वाला होगा, एक संबंधी चार, लेकिन कैसे होगा, चलो यहाँ पे भी थोड़ा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं आपको इसको एक मिनट चलो इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे देखो हम लोग के दो तार हैं, जैसे ये हम लोग का ये फर्स्ट तार हो गया, ठीक है, ये मैं बना लेता हूँ ऐसा ही फिगर, ठीक है, ये सेकेंड तार हो गया। तो देखो क्या बोला जा रहा है
कि दोनों की लंबाई समान है, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है, दोनों का पदार्थ समान है। पदार्थ मीन्स अगर ये आपका ये मान लो लोहा है तो ये भी लोहा है, ये कापड़ है तो ये भी कापड़ है, ठीक है। और दोनों का व्यास, जो व्यास से नहीं, जो ये मोटाई है दोनों का, वो भी समान है, ठीक है। तो अगर सब कुछ समान है तो इन दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। अगर इसका प्रतिरोध मान लो 20 है तो इसका भी 20 होगा, इसका 30 है तो इसका भी 30 होगा। तो एग्जैक्ट तो हमें दिया नहीं, तो मान लो हम मान लेते कि इसका प्रतिरोध आर है, तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा, सिंपल। अब इनको कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर इन दोनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आर एस सीरीज, मैं श्रेणी क्रम इसको, यस मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम, और फार्मूला क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो दो प्रतिरोध है तो आर वन प्लस आर टू, तो आर वन के जगह पे आर और आर टू के जगह पे भी आर, क्योंकि दोनों का समान ही है प्रतिरोध, तो आर एस यानी ये 2R के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग जब दोनों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा तो 2R प्रतिरोध आ गया, ठीक है। और उसके बाद पार्श्व क्रम में इसको जोड़ा जाए तो चलो पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R और यहाँ पे मैं P लगा लेता हूँ जिससे ये मालूम हो जाए कि हाँ ये पैरेलल यानी समांतर क्रम में हम लोग जोड़ रहे हैं, तो वो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जितना प्रतिरोध होता है हम ले लेते हैं। तो 1/R1 का जगह R क्योंकि पहले का प्रतिरोध R, प्लस 1/R2 R2 के जगह पे भी R ही रखेंगे क्योंकि दूसरे तार का भी प्रतिरोध R है। अब इनको जोड़ते हैं तो 1/R P बराबर क्या हो जाएगा, 1 1 2 और नीचे का सेम उसी तरह। अब देखो ये R P उधर जाएगा तो 2RP और ये R इधर आ जाएगा तो R हो जाएगा और फिर 2 इधर आ जाएगा तो उसके बट्टे में हो जाएगा बराबर ये RP, यानी RP का मान यानी जो समांतर क्रम में जोड़ने पे कुल प्रतिरोध आया वो कितना आया, वो R बटे 2 आया। जब हमने दोनों तारों को ठीक है श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध 2R आया और जब समांतर क्रम में हमने जोड़ा तो वो R/2 आया, क्लियर। तो हमें आगे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। अब इसमें हमें मतलब इन दोनों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पे जो उत्पन्न हीट आई यानी एच ऊष्मा, उसका हमें मान पूछा जा रहा है। तो देखो हीट का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, V² / R × T, ठीक है। तो चलो इसके थ्रू H1 यानी श्रेणी क्रम, H1 मैं ले लेता हूँ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हीट कितनी उत्पन्न होती है, तो होगी V² और अपन में R यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पे प्रतिरोध वो है 2R, तो यहाँ पे 2R रख लेता हूँ और इंटू टी है तो वो हम लोग का T हो जाएगा, ठीक है। और या यहाँ पे सीधे अभी इसको ऐसे नहीं, अभी यहाँ देखो तब मान नहीं रखता, H1 बराबर V² अपन में श्रेणी क्रम का में कुल प्रतिरोध में RSC अभी रख लेता हूँ क्योंकि हमें सब कटाना पिटाना भी है और इंटू टू है तो टी, और हम लोग का H2 दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पे कुल हीट कितनी आए तो वो V² में अपन में R, और R यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, R/2 रखेंगे क्योंकि हम लोग समांतर क्रम में यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो वो R/2 हम लोग का यहाँ पे 2 हो जाएगा और इंटू ये टी है तो टी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, यहाँ पे R/2 न रखकर यहाँ पे हम लोग ये अभी RP रखते हैं तब ज़्यादा बेटर रहेगा कैलकुलेशन में। अब देखो इन दोनों का हम अनुपात करते हैं यानी H1/H2 क्योंकि दोनों का हमें अनुपात पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो H1/H2 H1 का मान हमें कितना आया यहाँ पे V² / RS V² / RS × T, ठीक है, और बटे में ये हम लोग का समांतर क्रम के लिए हीट वो कितनी आई V² / RP V² / RP × T। अब देखो भाई समान समय के लिए वो जोड़े जाते हैं तो ये तो कट जाएगा और चूंकि दोनों का पदार्थ लंबाई सब कुछ समान है तो विभवांतर भी समान होगा इसलिए ये कट जाएगा। तो हम लोग का श्रेणी क्रम में जोड़ने पे हीट और बट्टे में समांतर क्रम में जोड़ने पे हीट का अनुपात क्या आया, ये सब कट गया तो ऊपर 1 बचा तो 1/ ये RS हो गया और होल बटे में ये ऊपर 1 बचा और नीचे RP यानी 1/ में ये आपका RP हो गया, ठीक। तो अब देखो बराबर ये क्या होगा 1/ RS हो गया और ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, ठीक है, यानी RP/1 और 1 का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो नीचे है, ठीक। तो चलो और 1/ में RS, अब RS का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो RS यानी वही श्रेणी क्रम में जोड़ने पे कुल प्रतिरोध 2R था तो यहाँ पे हम रखेंगे 2R और गुणे RP यानी समांतर क्रम में जोड़ने पे कुल प्रतिरोध तो R/2 था तो यहाँ पे R/2 रख लेंगे और ये R से R खत्म तो यहाँ से ऊपर गुणा तो 1 और ये 2×4 यानी अनुपात हम लोग का 1:4 आ गया। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन करना भी आ गया होगा तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 6, यह क्या है कि लघु परिपथ के समय या लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है भाई,
बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होता है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 है उसका ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु परिपथ या लघु परिपथन क्या बोलते हैं, जब नहीं होता है आपने देखा होगा जैसे फ्यूज और मेंस आपस में सट जाते हैं तो काफ़ी मतलब जो वोल्टेज होता है वो हाई हो जाता है एकाएक, जिसके कारण जो फ्यूज होता है वो जल जाता है, आपने देखा होगा ऐसे मतलब तारों के माध्यम से, ठीक है। तो वही होता है लघु पथन, ठीक है। जैसे फ्यूज और मेंस सट जाए तो मतलब एकाएक बहुत ऊष्मा निकलती है, ठीक है ठीक है। तो वही हो जाता है उसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है क्या धारा का मान, तो एक तरह से ऊष्मा भी बढ़ जाएगी, तो वही हुआ यहाँ पे, ठीक। तो ये चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 6 के बाद 7 नंबर की विद्युत धारा का मात्रक है। अब देखो कूलाम पर सेकेंड, ओम, एम्पियर पर कूलाम, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सारे बच्चे इसका ये ट्रिक करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है। देखो विद्युत धारा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में टी होता है ना, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है भाई, ठीक है, और बट्टे में आप लोग का क्या है ये समय, तो प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड ये वाला हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, कि इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ए वाला। चलो बाकी सीधे सीधा अगर कहीं एम्पियर लिख दे तो वो तो एम्पियर ही सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन में घुमाकर थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक। चलो सातवां हो गया प्रश्न, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो ये उपखंड ख में हम लोग आ जाते हैं, ये अब आप लोग के केमिस्ट्री वाले पार्ट से हो गया। चलो यहाँ पे जैसे ये एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है भाई, एक उपधातु है, सी वाला ऑप्शन सही। लेड नाइट्रेट का सूत्र है, अब देखो लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3 twice PbNO2 twice या PbO। अब देखो इनमें से क्या होगा, आपको अगर फार्मूला सीधे सीधे मालूम है भाई तो आप आसानी से यहाँ पे ट्रिक लगा लोगे, ठीक है, कि भाई ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन मालूम नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, कैसे इसका फार्मूला बनाओगे, यहाँ पे देखो जैसे आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि भाई Pb जो लेड होता है इस पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, और नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है। तो देखो N इस पे +2 चार्ज होता है और जो आप नाइट्रेट होता है उस पर -1 चार्ज होता है, जो नाइट्रेट आयन होता है NO3 इस पर -1 चार्ज होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो नीचे 2 लगाया गया है जिससे यहाँ पे क्या हो जाए -2 हो जाए और यहाँ पे +2 पहले से है, इसलिए ये फार्मूला आपका सही होगा। तो PbNO3 twice ये होगा आपका फार्मूला, न कि ये होगा ये और ये सब गलत है, ये वाला बी वाला आपका राइट होगा। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, भाई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें बताना है। तो यहाँ पे देख लो भाई असंतृप्त कौन कौन होता है, आपने 3 पढ़ा है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये 3 पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें एल्केन में हमेशा सिंगल बांड होता है, इसमें कम से कम एक डबल बांड होता है और इसमें एक कम से कम ट्रिपल बांड होता है, और ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देख लो इसमें से जो जो एल्केन है इसको निकालो, C2H6, और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, एन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 है, तो 2 और यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 का 4 + 2 6, यानी ये आपका एल्केन है, ये देखो 2 और 2 4, ये एल्केन नहीं है भाई, ये फार्मूले पे एल्केन पे नहीं बैठेगा, ये क्या है, ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है तो उस पर ये बैठेगा, तो ये आपका एल्कीन है, इसलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो हमें असंतृप्त पूछ रहा है तो ये वाला, बाकी ये आप बैठा लो ये सब एल्केन पे ही बैठ जाएंगे, ठीक। तो ये आपका असंतृप्त हो जाएगा और ये आपका एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो सब ये एल्केन के ये सूत्र हैं, एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आएंगे और ये आपका एल्कीन के अंतर्गत आएगा, तो इसलिए असंतृप्त हो जाएगा। चलो यहाँ पे है हम लोग का प्रश्न संख्या 11, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब देखो यहाँ प्रोपेनल अंत में क्या रहा है, अल आ रहा है भाई, प्रोपेन प्लस अल, अल किस में लगता है भाई, ये किस में लगता है, उपसर्ग अल किस में लगता है, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें, ठीक है। जब होता क्या है कि देखो जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो उसमें उपसर्ग अल लगता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO, ठीक है, ये होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलो बाकी ये कीटोनों का है, ठीक है, ये आप लोग का जो एल्कोहल है उसका, और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आगे चलते हैं अगला 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल यानी जो आपका सिरका हो गया, ठीक है, का IUPAC नाम है भाई एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या बोला जाता है,
देखो CH3COOH ये एसिटिक अम्ल का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। मेथ एथ यानी एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक। चलो इसमें इसमें इसका उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है, ओइक होता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। अब देखो यहाँ क्लोराइड का सूत्र क्या है, MCl2 है। MCl2 है भाई, देखो क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, तो यहाँ नीचे 2 लिखा है यानी M पे +2 चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब कि M पे +2 चार्ज है। तो यहाँ पे देखो O सब जगह O जोड़ा है, तो और ऑक्सीजन पे हम लोग जानते हैं कि -2 चार्ज पहले से होता है, तो सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा, MO हो जाएगा, क्योंकि इस पे +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज पहले से ही होता है, तो ये आपका ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस पे अगर +2 चार्ज है नीचे दो, तो दो ना कि ये चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे -2 रह जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ये और ये भी गलत हो जाएंगे, ये सही होगा। चलो ये हम लोग का प्रश्न संख्या 13 हो गया। ओके ये केमिस्ट्री वाला खत्म, अब हम लोग बायोलॉजी वाले सेक्शन पे चलते हैं, उपखंड ग में। चलो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे है कि ब्रिको का कार्य होता है, ब्रिको का कार्य भाई क्या होता है, तो ये उत्सर्जन, ठीक है, जैसे लीवर, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। पत्तियों में कलिका विकसित होती है, ओके, पत्तियों पर में नहीं, पत्तियों पर कलिका विकसित होती है, किस में होती है भाई, पत्तियों पर कलिका किस पौधे में, तो इधर चलो इधर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्लम में, इन सभी पर, तो ब्रायोफिल्लम नामक पौधे के पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। उसके बाद ये है कि अनुवंशिक विज्ञान का जनक माने जाते हैं भाई ग्रेगर जान मेंडल, ये AB ये C, ठीक है, ये C वाला सही हो जाएगा। अब देखो दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन आबंध द्वारा, देखो इसमें सब ये सी हो जाएगा, ये थोड़ा मैंने ये टाइप किया है तो ये मिस्टेक है थोड़ा, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं, दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो हाइड्रोजन आबंध द्वारा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, सिंपल। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, देखो यहाँ पे लड़के कन्फ्यूज होंगे, मीठी मटर या उद्यान मटर, तो सही ऑप्शन है उद्यान मटर। और अंतिम और 20वां ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, देखो अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, ये सभी मादा जनन तंत्र का भाग है, बल्कि शुक्रवाहिका ना जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, उसका भाग है, तो ये शुक्रवाहिका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग है, न कि मादा जनन तंत्र का, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ हुई है, इन सभी को आप लोग क्लियर कर लेना, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखना इनमें से सेम टू सेम ऑप्शन सही छपने वाले हैं। तो ऐसे ही आप अगर बताना, ऐसे ही मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर भी लाऊंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन के। बाकी अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ना, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। और 1 दिसंबर को कुछ बड़ा होने वाला है इस ऐप पे, ठीक है, तो आप 1 दिसंबर के लिए तैयार रहना, ठीक। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।